अस्सलामुअलैकुम टू क्लास, मैं आपकी उर्दू की टीचर अनम हूँ। आज हम ग्रामर के बारे में, ग्रामर में से कलमे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कलमा किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जो पूरा मायने दे उसको हम कलमा कहते हैं, जैसे असलम, पानी, रोटी वगैरह। कलमा बामायने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे असलम, पानी, रोटी वगैरह। कलमे की इकसाम, स्टूडेंट क्या आपको पता है कलमे की कितने इकसाम हैं? कलमे की तीन इकसाम हैं। नंबर एक इस्म, नंबर दो फेल, नंबर तीन हर्फ। आज हम दो इकसाम के बारे में सीखेंगे, इसम और फेल। इसम का मतलब है नाम। इसम किसको बोलते हैं? जो किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम हो उसको हम इसम कहते हैं। इसम का मतलब है नाम, किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं। मसलन अहमद, लाहौर, कुर्सी वगैरह। अब इसमें अहमद, लाहौर और कुर्सी क्या है? इसम है। तो ये कौन सा जुमला हुआ? इसम। फेल किसे कहते हैं? यानी जिसमें किसी काम का करना होना ज़माने के साथ पाया जाए वो क्या होता है? फेल कहलाता है। फेल का मतलब है काम। क्या मतलब है? काम जिसमें किसी काम का करना होना ज़माने के साथ पाया जाए, मसलन खाना, पीना, चलना और सोना वगैरह। यानी उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, ये क्या, कौन सा जुमला हुआ? जुमला फेल।